हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो साइट पे काम करवाते हैं या फिर अपना घर बनाने वाले हैं, क्योंकि काम को जब चालू कर दोगे ना तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन काम करने से चालू से पहले अगर आप प्लानिंग करते हो तो बहुत कुछ आप कंट्रोल कर पाओगे। उन्हीं में से आता है सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉइंग का कलेक्शन। मतलब काम करवाना है तो क्या क्या ड्राइंग आपके पास होना ही चाहिए। बहुत बार मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे भी मैंने देखा है कि हम लोग स्ट्रक्चर करवाना है, स्ट्रक्चर का ये ड्राइंग है। अब क्या हुआ कि हम लोग उस फ्लोर पे चले गए, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, और कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट अचानक से आ गया कि वो करवाना है और देख रहे हैं हमारे पास ड्राइंग ही नहीं है। तो अगर आप प्लानिंग पार्ट में हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, हाई पोस्ट में जाना चाहते हो, तो आपका काम ही होता है ये कि आपको सब चीज़ देखना कि कोई भी काम रुक ना जाए। उसके लिए आपको पहले से ही सब मेल डाल के अपने हेड ऑफिस में, अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट में सब भेजना पड़ता है कि मुझे ये सब ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप छोटा सा घर भी बना रहे हो तो भी क्या क्या ड्राइंग आपको लेने से चल जाएगा वो भी आपका इस वीडियो से कवर होने वाला है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप काम चालू करवा दो और आपके पास ड्राइंग ही नहीं है और काम रुक गया कुछ दिन के लिए, क्योंकि ड्राइंग भी तो प्रोसीड होकर आने में आपके पास कुछ टाइम लगेगा। तो पहले से आपको पता होना है कि बड़े प्रोजेक्ट में भी एकदम पिन से लेके लास्ट तक, चाहे वो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, एमपी है, एचवीएसी है, एमपी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, वो सब मैं कवर करने वाला हूँ। फायर के पंप रूम से लेके हीटिंग, हीट वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है वो लेके सभी चीज़, उसमें आप बहुत कुछ देखोगे, एमसीपी देखोगे, फायरमैन जैक देखोगे, एनआरवी देखोगे, हूटर देखोगे, डीजी रूम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ट्रांसफर केबल ट्रेंच, बहुत कुछ जो डिटेल में होता है ये सब आपको बताया नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है ये सब, जो आपको लगता ही है जब आप फिनिशिंग कराओगे साइट का। तो ये सब चीज़ मैं कवर करूंगा। फिनिशिंग डिटेल हो गई, लैंडस्केपिंग डिटेल्स हो गई, बहुत सारे ड्राइंग होते हैं, सबको डिटेल में तोड़ के बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, सबसे पहले उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन दिस स्टाफ, ये जो ऑटो लेवल स्टाफ देख रहे हो इस पे पेन की मार्किंग रखी गई है, ठीक है, आपको इसमें डायमेंशन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे नीचे से देखिए, ये जो 70 सेंटीमीटर लिखा गया है ना, ये लाइन आपका हो गया 700 मिलीमीटर का, उसके बाद 5 mm का ये सारा डिवीजन है, यानी कि एक जो वाइट देख रहे हो ये 5 mm का हुआ, उसके ऊपर वाला जो ब्लैक है वो 5 mm का है, उसके ऊपर अगेन जो वाइट है वो 5 mm का है, यानी कि 705 10 12.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 712.5 mm। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो को भी पूरा देखिए, वीडियो से 20 से ही मैं कहीं से उठा के एक सवाल आप लोग से इस वीडियो के लास्ट में आप लोग से मैं पूछने वाला हूँ, इसलिए बिना पलक झपकाए वीडियो को पूरा सुनिएगा कान खोल के, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इसमें मोटिवेशन भी बढ़ता है और ऐसे वीडियोज लाने में मैं ज्यादा और मोटिवेट हो जाता हूँ और लाता रहता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करना है, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप पहले प्लानिंग समझ लीजिए। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना कि साइट पे काम करवाते हैं तो स्ट्रक्चर का काम कराते हैं, फाउंडेशन बनाए, पाइल कैप हो गया, पाइलिंग करवाए, तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि पहले स्ट्रक्चर का ही ड्राइंग पहले बनता होगा। एकदम गलत बात है, स्ट्रक्चर का ड्राइंग पहले कभी भी नहीं बनता है। पहले सॉइल टेस्टिंग वगैरह वो सब आपका हो जाता है, ठीक है, नीचे का पाइल वाइल हो गया, लेकिन अगर आप बिल्डिंग को बाहर से देखोगे, कोई भी आप हाई राइज बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर को देखोगे, तो सबसे पहले जो हम लोग का बनता है ना वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनता है। मतलब पहले भाई मुझे जो दिखने में लगना चाहिए वो चीज़ तो वहाँ बन जाए, आर्किटेक्चर बन जाता है, बाहर से वो एलिवेशन कैसा बनने में दिखने वाला है, इसका प्लान कैसा होगा, पहले से मेरा रिक्वायरमेंट है ना, मुझे दो घर चाहिए भाई, कैसे भी चाहिए, अब तू समझ इसको। तो ये आर्किटेक्चरल बात हो गई आपका। अब दो घर तो चाहिए ही मुझे, कैसे भी वो बना दे तू, अब बनाने के बाद उसको कैसे स्ट्रक्चरली सेफ करना है, दो घर बनाने के लिए क्या बीम का साइज देना होगा, क्या कॉलम का साइज देना होगा, क्या स्लैब का थिकनेस रखना होगा, उसके बाद वो स्ट्रक्चर पार्ट में आता है। स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आर्किटेक्चर के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेव करते हैं स्ट्रक्चर पार्ट में। तो कभी भी गलती में मत रहिए कि पहले स्ट्रक्चर बनता है, पहले हमेशा आर्किटेक्चर ड्राइंग बनता है। आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको स्ट्रक्चरली सेव किया जाता है, स्ट्रक्चर के ड्राइंग को बना के, उसके बाद एमईपी बनती है, एचबीसी बनता है और लैंडस्केपिंग, ये सब बाकी पार्ट है। तो समझ में आ गया यहाँ पे, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में सबसे पहले जो आता है आपके साइट पे वो आता है साइट प्लान, कि
कि आपका साइट जब ऊपर से आप देखोगे, कोई ड्रोन से अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो दिखने में कैसा दिखेगा, पूरा एकदम दिखेगा बाउंड्री वॉल का, उसमें पूरा आपका रहेगा बाउंड्री वॉल कहाँ से कहाँ कैसे कैसे है, अंदर में कोई पेड़ है तो पेड़ का लोकेशन उस पर रहता है, कोई शेड अगर बना हुआ है तो वो सब उस पर रहता है, सब चीज रहेगा ऊपर से, वो होगी आपका साइट लेआउट। ठीक है, इसमें बिल्डिंग बिल्डिंग का सिर्फ ब्लॉक बना रहेगा और कुछ नहीं दिखेगा। मतलब एक मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, जैसे ये आपका साइट प्लान है, ये बाउंड्री वॉल हो गया आपका, अंदर में ये एक ब्लॉक है, अंदर में ये एक ब्लॉक है, अंदर में ये ब्लॉक है, तो ऐसे लिखा रहेगा ए बी सी, कैसे ये साइट लेआउट हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद है आपका ब्लॉक लेआउट। ब्लॉक लेआउट सब लोग समझ रहे हो, जैसे विंग वन विंग टू विंग थ्री, ब्लॉक ए ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री, 10 ब्लॉक है तो 10 ब्लॉक, ब्लॉक का अलग अलग नाम। ठीक है, ब्लॉक के अकॉर्डिंग उसका क्या वहाँ पे आपका ये दिख रहा है, मतलब कहाँ पे ग्रीन एरिया है कहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं है, ये सब आपको ब्लॉक लेआउट में समझ में आ जाता है। तो इसी ब्लॉक लेआउट की मदद से सर्वेयर क्या करता है ना कि आपके बिल्डिंग का चारों कॉर्नर फिक्स कर देता है ताकि वो कहीं से इधर से उधर ना हो। साइट लेआउट की मदद से जब आपका बाउंड्री वॉल सब डिटेल्स में रहेगा, तो मान लीजिए मैं ये बना रहा हूँ, इसमें ये आपका बाउंड्री वॉल है। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल है, तो ये बाउंड्री वॉल को साइट प्लान से हम लोग क्या करते हैं, सर्वेयर से फिक्स करवा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा समझ में आ गया साइट प्लान होता है। साइट प्लान को क्या होता है ना कि सर्वेयर साइट पे आता है, साइट पे आके अगर आपका एग्जिस्टिंग बाउंड्री वॉल है तो उसको लेके क्या करता है, वो टोटल स्टेशन की मदद से कोऑर्डिनेट को पहले कैप्चर करता है और उसको ऑटोकैड में बना देता है। अब आपका साइट प्लान फिक्स हो गया। अब उसके अंदर में आएगा ब्लॉक लेआउट। ब्लॉक लेआउट में क्या होता है, मान लीजिए आपका इधर में एक ऐसे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग इधर में है, तो ये बिल्डिंग इधर से उधर ना हो जाए इसलिए इसका आउटर कोऑर्डिनेट जो है ना वो TS के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है, ताकि बिल्डिंग का एंड फिक्स हो जाएगा तो वो बिल्डिंग भी फिक्स हो जाएगा, वो ब्लॉक जो है वो फिक्स हो जाएगा, तो वो चीज़ आपका ब्लॉक लेआउट में रहता है। क्लियर हो गया। इसकी मदद से क्या करते हैं, जो सर्वेयर आते हैं वो फिक्स कर देते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर में क्या है, फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर का प्लान, सेकंड फ्लोर का प्लान, फर्स्ट फ्लोर का प्लान। समझ में आ गया ना, आप ड्राइंग में सब देख ही रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको एक आइडिया हो जा रहा होगा कि प्लान किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना 2 BHK भाई एक प्लान बना दे, 3 BHK का एक प्लान बना दे, 3 बेडरूम वाला 2 बेडरूम वाला, तो वो घर का आपका प्लान है। जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, ये मेरा एक फ्लैट है, तो इस फ्लैट ये भी एक क्या है कि एक फ्लोर पे है, तो ये भी मेरा एक प्लान है जब इसको ऊपर से हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो फ्लोर प्लान भी हम लोग को जरूरत होता है कि हर फ्लोर पे क्या क्या आने वाला है। ठीक है, टिपिकल रहेगा या किसी फ्लोर पे जाएगा कोई चीज चेंज हो जाएगा, बेडरूम कैसे रहने वाला है, टॉयलेट कहाँ पे रहने वाला है, लिविंग डाइनिंग कहाँ पे रहने वाला है। तो आप जिस घर में रह रहे हो, बेडरूम किचन टॉयलेट लिविंग डाइनिंग ये सब का जो लोकेशन बताता है वो क्या बताता है, आपका फ्लोर प्लान। क्लियर हो गया। इसके बाद क्रॉस सेक्शन स्किन सेक्शन है, क्योंकि जब हम लोग एलिवेशन को डिजाइन करेंगे, देख लीजिए मैंने एलिवेशन लिखा है, एलिवेशन लगेगा। एलिवेशन क्या है, जब किसी भी बिल्डिंग को बाहर से देखते हो तो वो जो दिखने में आपको लग रहा है, वो दिखने में जैसा लग रहा है वो है उसका एलिवेशन। देख के बोलते हो ना क्या बिल्डिंग बनाई है, कभी आप फ्लोर प्लान को देख के नहीं बोलते हो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर से आप सिर्फ उसका एलिवेशन ही देख पाओगे और देख के बोलोगे क्या मस्त बिल्डिंग है। मस्त बिल्डिंग है मतलब आप उसका एलिवेशन को ही मस्त बोल रहे हो। समझ में आ गया ना। उसके बाद स्किन सेक्शन या क्रॉस सेक्शन कुछ भी बोल लो, स्किन सेक्शन भी बहुत जगह बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। मतलब जब आप बिल्डिंग को देखोगे तो बिल्डिंग में बाहर में देखिएगा बहुत सारा प्रोजेक्शन निकलता है, छज्जा जिसको हम बोलते हैं, सनशेड बोलते हैं, वो सब निकलता है। तो वो सब कौन सा कितना निकलेगा, फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है कोई 600 निकल रहा है, सेकंड फ्लोर पे हो सकता है वो 400 ही निकल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग किसमें देखेंगे, ये सब हम लोग को पता चलता है स्किन सेक्शन या क्रॉस सेक्शन की मदद से। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग में जो इंपॉर्टेंट हम लोग को ड्राइंग लगता है वो ये सब ड्राइंग है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में सबसे पहले आपको ग्रिड लेआउट की जरूरत है। अगर आपका जो साइट प्लान है वो रेडी है, ठीक है, और ब्लॉक लेआउट जब आपका फिक्स हो गया है, उसके बाद हम लोग ग्रिड लेआउट को फिक्स करते हैं। ग्रिड लेआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिड लेआउट से हम लोग क्या करते हैं कि लेवल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं टोटल स्टेशन की मदद से। ग्रिड लेआउट जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हो, एक साइड में ए बी सी डी करके ऐसा एक इंटरवल लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल, और एक रहता है वर्टिकल 1 2 3 4 करके ऐसे रहता है। अब इस ग्रिड लाइन का हेल्प कहाँ पे है, ये मेरा एक मान लीजिए पूरा एक प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। अब हम लोग को फिक्स करना है, आप इस कॉर्नर पे खड़े हो, हमको फिक्स करना है ये वाला कॉलम। मान लीजिए इधर जाएगा आपका 10 मीटर, मतलब ये कॉलम का सेंटर मैं ले लेता हूँ, ये जो सेंटर लाइन है ये इधर से 10 मीटर है, उधर से 12 मीटर है। तो टेप करोगे ना तो एरर होने का चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। शैक कर सकता है, टेग टेप कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे प्लान को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसी को ग्रिड लाइन कहा जाता है।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्लान को डिवाइड कर देते हैं और इसी का नाम देते हैं। इधर से जैसे ए बी सी डी दे दिए, इधर आप 1 2 3 4 दे दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या होगा, ये ग्रिड लाइन मेरा फिक्स हो गया है, हम लोग यहाँ से माप ले लेंगे, मान लीजिए 2 मीटर है, तो यहाँ से 2 मीटर पे कॉलम का ये लाइन सेंटर कर देंगे और जो सी लाइन है यहाँ से ये वाला 1 मीटर पे बैठा के ये वाला फिक्स करेंगे सेंटर और कॉलम को फिक्स कर देंगे। इससे एरर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ग्रिड लाइन का यूज ऐसे होता है, मतलब अगर दूर दूर में कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई कॉलम है, कोई फुटिंग है, उसको हम लोग फिक्स करना है तो वहीं पे ग्रिड लाइन मेरा फिक्स किया हुआ है, सर्वेयर का फिक्स कर दिया है, वहीं से हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। बार बार उस कोना से हमको बार बार टेपिंग उतना बड़ा बड़ा करके नहीं लेंगे, एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ग्रिड लाइन आपका क्लियर हो गया होगा। तो ग्रिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। ग्रिड लेआउट को फिक्स कर देने के बाद ना उसको फिक्स कर देना पड़ता है। हम लोग एक ब्लॉक बना देंगे, मतलब मान लीजिए जैसे ये मेरा साइट है, यहाँ पे एक ग्रिड पॉइंट आया है, ये ग्रिड पॉइंट आया है। हम लोग साइट पे हमेशा तो यहाँ पे लाइन डोरी ऐसे मार मार के नहीं रखेंगे, इस पार से उस पार काम करने बहुत दिक्कत होगी ना। तो मान लीजिए यहाँ से एक ग्रिड लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा फाउंडेशन करके उसमें एक रॉड को ऐसे फिक्स करके एकदम सेंटर से यहाँ पे फिक्स कर देंगे, यहाँ भी एक फिक्स कर देंगे, यहाँ भी एक छोटा सा फाउंडेशन बना देंगे। अब यहाँ पे जब हमारा यहाँ पे कोई कॉलम का काम होगा या कोई फुटिंग यहाँ पे हमको फिक्स करना है, यहाँ पे इसके आसपास कहीं भी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम लोग डोरी या धागा को बांधेंगे और धागा बांध के इससे रेफरेंस में ले जाके हम लोग क्या करेंगे, उस कॉलम को फिक्स कर देंगे या उस फुटिंग को फिक्स कर देंगे। हमेशा बांध के नहीं रखेंगे क्योंकि साइड में बहुत सारा ग्रिड लाइन रहेगा ना, उतना अगर डोरी उतना अगर लाइन सूता रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी काम करने में, इसलिए हम लोग को फिक्स करके रख देना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका फाउंडेशन लेआउट, जो हमारा फुटिंग होता है, आइसोलेटेड हो गया, कॉम्बाइंड हो गया, राफ्ट हो गया, बहुत तरीके हो सकते हैं, स्ट्रैप फुटिंग हो गया, ठीक है, ये सब हमारा होता है फाउंडेशन लेआउट में। इसमें आपको दिख जाएगा कि फाउंडेशन का साइज कितना है, फाउंडेशन का डेप्थ कितना है, वो सभी चीज़ आपको उसमें दिखेंगे। उसका सरिया का डिटेल्स आपका उसमें रहेगा, कितना का सरिया उसमें लगने वाला है, ठीक है, वो सब रहेगा। पीसीसी का डिटेल्स भी रहेगा, सब रहेगा। कॉन्क्रीट ग्रेड क्या रहने वाला है वो भी आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग में रहेगा, तो सब इसमें मिल जाता है। उसके बाद आपका शटरिंग और फ्रेमिंग वर्क हो गया, तो आपको शटरिंग करना पड़ता है ना, शटरिंग का भी ड्राइंग होता है कि आपको शटरिंग के वक्त बोर्ड कहाँ कहाँ फिक्स करना है, कितना आपको सपोर्ट डालना है, कहाँ पे आपको ब्रेसिंग करनी है, ये सब चीज़। नहीं तो क्या होता है कि कॉन्क्रीटिंग करवाने जाओगे खुल सकता है। हम लोग जनरली साइड पे देखेंगे कि इसका ड्राइंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बनता है इसका ड्राइंग, ये जान के रखिए कि ड्राइंग होता है शटरिंग का भी, ठीक है, फ्रेमिंग प्लान भी होता है। उसके बाद हमारा रूफ बीम का जो लेआउट है वो हो गया, स्लैब लेआउट हो गया, यानी कि हम लोग कोई छत डालने वाले हैं उसमें जो बीम आ रहा है उस बीम का भी तो लेआउट होगा ना, उसका लेंथ कितना होने वाला है, चौड़ा कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, उसमें कितना का सरिया जाने वाला है, वो सारा डिटेल्स, कॉन्क्रीट गेट क्या होने वाला है स्लैब के लिए, बीम के लिए, चाहे वो कॉलम के लिए हो गया, कॉलम का लेआउट भी हम लोग फिक्स करेंगे ग्रिड लेआउट की मदद से, ये सब चीज़। प्लिंथ बीम का लेआउट हो गया, ये सब चीज़ का सरिया से लेके उसका लेंथ ब्रेथ से लेके उसका डेप्थ से लेके कॉन्क्रीट वॉल्यूम से लेके उसका सेक्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर का सेक्शन, सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सेक्शन भी होगा, ठीक है, हर एक चीज़ का सेक्शन डिटेल्स भी रहेगा। बहुत जगह होता है कि दिक्कत हो रही है, अपवर्ड पड़ती है, डाउनवर्ड पड़ती है, इन सब का आपको इसमें दिखेगा नहीं, हो सकता है नहीं दिखे ना, क्योंकि अपवर्ड पड़ती डाउनवर्ड पड़ती को आप कैसे दिखाओगे, आपको सेक्शन में ही दिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपका आता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। तो हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग कवर हुआ, स्ट्रक्चरल ड्राइंग कवर हुआ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वैल्यूएबल कंटेंट ना मिला ऐसा नहीं हो सकता, जो छोड़ के चले गए हैं छोड़ के चले गए हैं। अब नेक्स्ट है एमईपी। एमईपी मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। सबसे पहले मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल में आपका आता है फायर फाइटिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सब इसमें आपके आ जाते हैं, फायर फाइटिंग के काम, ठीक है, या लिफ्ट वगैरह का भी काम इसमें आ जाता है। तो मैकेनिकल में देख लो फायर का पाइपलाइन का लेआउट कैसा गया है, पाइपलाइन का लेआउट कहाँ कहाँ से गया हुआ है वो सब आपको दिखेगा। उसका स्लिप का डिटेल्स, मतलब इस घर में अगर हमारा जा रहा है तो बीम भी हो सकता है ऐसे क्रॉस किया हुआ है, अब बीम के बीच से तो मेरा फायर का पाइपलाइन जाएगा ना, मान लीजिए ये 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 किसी घर में एक बीम है तो फायर पाइपलाइन ऐसे जा रहा है तो बीम से ऐसे क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्लिप देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं उसके बीच से फायर पाइप निकल जाता है, ठीक है, ताकि फॉल सीलिंग हम लोग मैक्सिमम हाइट तक कर सके। क्लियर हुआ? तो वही हो गया फायर पाइपलाइन का लेआउट, फायर पाइपलाइन का लेआउट हो गया। पंप रूम का डिटेल पूरा रहता है, जो फायर पाइपलाइन जो होगी फायर में हम लोग जो फायर के पाइपलाइन में हम लोग जो पानी को भेजेंगे वो पंप के प्रेशर से भेजते हैं, ये ग्रेविटी के प्रेशर से नहीं आता है,
जनरली। लेकिन बहुत जगह क्या होता है ना कि हाई राइज बिल्डिंग में ऊपर में फायर फाइटिंग के लिए टैंक भी होता है जो कि ग्रेविटी से पानी फेंकता है, और जब तक टैंक में पानी है तब तक वो तो बुझाएगा उसको, वरना पंप रूम तो बनता ही है हमेशा, तो वो ग्रेविटी वाला पानी काम नहीं करेगा ना। समझ में आ गया, पंप हमारा लगेगा ही लगेगा, इसलिए पंप रूम का डिटेल, उसमें स्टैंड बाई आपका पंप रहेगा, अलग अलग हाइड्रेंट के पंप रहेगा, स्प्रिंकलर के लिए पंप रहता है, जॉकी रहता है, ठीक है। इसको आप समझोगे, मैं इस सब पे लेक्चर आप लिए लाने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊंगा जॉकी पंप कौन सा होता है, हाइड्रेंट पंप हो गया, स्प्रिंकलर पंप हो गया, एक इंटरमीडिएट मतलब स्टैंड बाई रखते हैं, कोई खराब हो गया तो क्यों उसको हम लोग यूज कर सके, ये सब ऑटो में काम करेगा, एक खराब होने से ही या एक खराब हो गया है कहीं से प्रेशर फॉल हो गया, मतलब आपका जो पाइपलाइन का सिस्टम बना हुआ है प्रोजेक्ट में कहीं से पानी डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि प्रेशर फॉल हो रहा है तो ऑटोमेटिक स्टैंड बाई वाला पंप चल जाएगा। समझ में आ गया, तो पंप रूम का सारा डिटेल रहेगा, पंप रूम के अंदर में जो हमारा बोर्ड लगेगा, जो हमारा पैनल लगता है, इसके सिस्टम में पूरा अंदर में सर्किट का काम रहता है, वो सब डिटेल्स इसमें आपको मिलता है। हाइड्रेंट आपका कहाँ कहाँ लगने वाला है, ग्राउंड फ्लोर पे, साइड पे, आपके फ्लोर में रहेगा, आपका जो कॉमन एरिया है लॉबी में वहाँ पे आपका हाइड्रेंट रहेगा, ये हाइड्रेंट कहाँ कहाँ रहेगा, स्प्रिंकलर रूम के अंदर है तो उसका पोजीशन कहाँ रहने वाला है, कितना नंबर्स रहेगा, पेंडेंट स्प्रिंकलर रहेगा या ड्रॉपिंग स्प्रिंकलर रहेगा, कौन सा रहने वाला है, वो सब टाइप NRV नॉन रिटर्निंग वाल्व। जब भी हमारा ग्राउंड फ्लोर से पाइपलाइन होते हुए ऐसे जाता है, ये ग्राउंड फ्लोर से और यहाँ मान लीजिए बिल्डिंग है, तो पाइपलाइन ऐसे होते हुए जब हमारे बिल्डिंग में भी तो चढ़ेगा ना, क्योंकि हर फ्लोर पे फिर स्प्रिंकलर पाइपलाइन आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग NRV लगाते हैं। यहाँ पे हमारा NRV क्या करता है, ऊपर के पाइप में जितना ही पानी है उसको यहाँ पे लॉक करके रखेगा, इसलिए यहाँ पे एक NRV निकालते हैं जो इस पानी को क्या हुआ कि इधर बैक करने ही नहीं देगा। NRV का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्निंग वाल्व। उसके बाद है यहाँ पे आपका MCP यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट। आप देखते होंगे बहुत बार मेट्रो में भी या अपने साइड पे भी रेड कलर का एक बॉक्स बैठा हुआ रहता है जिसको आप मार के तोड़ सकते हो, ठीक है, वो मैनुअल कॉल पॉइंट होता है। आपके घर नीचे मतलब जो प्रोजेक्ट है ना उसके नीचे में एक BMS रूम होती है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है कि पैनल लगा हुआ रहता है हर फ्लोर का, मतलब हर बिल्डिंग का पैनल है और हर बिल्डिंग में हर फ्लोर का पैनल है, तो जिस भी फ्लोर पे आपका जो MCP लगा हुआ है अगर आप तोड़ के वहां से आप हिंट देते हो, आप सिग्नल भेजते हो, तो BMS रूम जो मेरा है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे दिखा देगा कि इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे टी 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 ऐसा बजने लगेगा, सिग्नल वहां पे जाएगा, जो आदमी वहां बैठा है वो समझ जाएगा कि वहां पे कुछ दिक्कत हुई है, कोई आग फाग कुछ लगा हुआ है, वो जल्दी से क्या करेगा वहां पे एक्शन लेगा, तो उसको बोलते हैं MCP मैनुअल कॉल पॉइंट। हूटर जो स्पीकर लगा हुआ रहता है ना, जो सब आवाज होने लगता है ऐसे टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग हूटर, वो स्पीकर आपका लगा हुआ रहता है, रेड कलर में जनरली होता है, व्हाइट में भी आता है। उसके बाद फायरमैन जैक, FMG जिसको बोलते हैं, फायरमैन जैक, वो भी हर फ्लोर पे रहता है। वो क्या होता है कि उसमें जैक रहेगा, अपना जैक उसमें लगा के डायरेक्ट BMS रूम में आप बात कर सकते हो, वहां से बोलोगे तो डायरेक्ट BMS रूम में सुनाई देगा कि हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, डायरेक्ट मतलब वो एक टाइप का कॉलर आईडी टाइप का हम बोल सकते हैं, जैसे हम फोन से बात करते हैं ना, फोन उठा के नंबर दबाए वहाँ पे बात की है, उस तरीके से वहाँ पे ऑटो रहता है सिग्नल, आप खाली लगाइए और बात कीजिए वहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो वहाँ पे आप तो ऑडियो विजुअल होता है, आप सीधा उस पर करके बात भी कर सकते हो ऐसा, तो FMG मतलब फायरमैन जैक, ठीक है। ये सब हो गई मैकेनिकल की बात, यानी कि जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम था उसका बात, और भी बहुत कुछ है डिटेल में, अब सब चीज यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल में आपका कनेक्शंस कहाँ कहाँ से कनेक्शन जाएगा, क्या SLD रहने वाली है, ठीक है, कहाँ कहाँ से वायर जाने वाला है, कौन सा फिक्स्चर्स कहाँ पे लगेगा, फिक्स्चर्स, स्विच, फैन, लाइट, DB हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें मतलब मेरे घर में जो मेन DB है वहाँ से सब लाइट, पंखा, AC, फ्रिज, ये सब जो चल रहा है वो सब चलेगा, ठीक है, तो DB कहाँ बैठने वाला है, मीटर रूम कहाँ पे रहेगा, मीटर रूम के अंदर में पैनल कौन सा कहाँ कहाँ लगने वाला है, कौन सा मीटर कहाँ लगेगा, सब डिटेल रहता है। DG हो गया यानी कि जनरेटर हो गया, वो साइड पे कहाँ बैठेगा, उसका लोड कितना KVA का रहने वाला है, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल ट्रेंच हो गया, मतलब जो प्रोजेक्ट होती है उसमें केबल ट्रेंच बनाना पड़ता है, जमीन के नीचे से लो वोल्टेज वाला, हाई टेंशन वाला, मतलब HT, LT, लो टेंशन, हाई टेंशन वाला जो वायर होता है वो सब आता है, ठीक है, वो सब कैसे आएगा, उसका भी पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना हुआ रहता है, वो सब भी आपका डिटेल पूरा इलेक्ट्रिकल में आपको मिल जाता है। उसके बाद प्लम्बिंग एंड सैनिटरी हो गया, तो प्लम्बिंग लेआउट तो रहती ही है, सैनिटरी लेआउट रहती है, मतलब एक टॉयलेट में आपका या किचन भी हम मान लेते हैं इसमें, ठीक है, उसका जो प्लम्बिंग का जो पार्ट है वो सब कहाँ कहाँ रहने वाला है आपको लेआउट में भी दिखाएगा, ऊपर से भी दिखाएगा कि कहाँ कहाँ है, और हर दीवार का एलिवेशन बना के भी आपको दिखाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, गीजर लगा है तो कहाँ पे लगा हुआ है, अगर शावर है तो उसका पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, हेल्थ फॉसेट हो गया, बहुत कुछ जो भी रहता है आपका WC हो गया, उन सब का लोकेशन आपको दिखाया जाएगा, कितने हाइट पे लगता है वो दिखाया जाएगा,
जाएगा। उसके बाद उस हर एक चीज का सेक्शन भी बना के दिखाया जाता है। SLD आपके टेरेस पे रिंग लाइन रन करती है, देखना रिंग लाइन रहता है चारों तरफ में, वो रिंग लाइन का आपका पूरा SLD बना हुआ रहेगा कि ये सब ऐसे ऐसे रहने वाला है। ऊपर टेरेस पे जो टैंक है उस टैंक में कनेक्शन कैसे रहेगा, आपको पहले ही स्लीव छोड़ना पड़ता है जब उसका RCC का काम चलता है, तो वो स्लीव कौन सा है, ठीक है, कौन सा फ्लशिंग सिस्टम है, कौन सा डोमेस्टिक के लिए डाल रहे हैं, उसका डाया कितना रहने वाला है, उसका हाइट कितना रहने वाला है, सब चीज रहेगा, ठीक है। PRV प्रेशर रिलीजिंग बल्ब, हम लोग जब हर बिल्डिंग में क्या होता है ना कि जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पाइप से जब हम लोग सप्लाई पानी भेज रहे हैं ऊपर में टैंकी में, तो वो तो हमारा एक पाइप से क्या होता है कि चला गया ऊपर, ठीक है, टैंक में भर गया। अब टैंक से जब हमारा हर फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो सिंगल पाइप से डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं होता है, बहुत सारा मतलब एक पाइप आया ऊपर से 3 फ्लोर उतरा, फिर एक पाइप उतरता है वो नीचे उतरता है अगले 6th फ्लोर तक, एक पाइप उतरता है फिर अगले से 3rd फ्लोर तक, ऐसे ऐसे अलग अलग फ्लोर तक उतरता है। समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा छत है मान लीजिए टेरेस, यहाँ पे रिंग लाइन है, अब यहाँ पे मेरा ये अलग अलग फ्लोर है मान लीजिए, एक पाइप यहाँ से उतरा यहीं तक, फिर एक उतरेगा यहाँ तक, फिर एक उतरेगा यहाँ तक, फिर उतरेगा ग्राउंड तक, इस तरीके से उतरता है, और इस तरीके से पानी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऊपर में मान लीजिए टंकी है आपका, समझ में आ गया ना, ये टंकी में आपका ये कनेक्शन है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि प्रेशर में ड्रॉप ना हो। अगर मैं एक ही पानी से सबको अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए ऊपर से पानी आ रही है इस पाइप में, पहले सबसे पहले पानी भरेगा तो पानी ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगा, सबसे नीचे पहले जाएगा, और नीचे से जाके पहले ये पाइप क्या होगा ऐसे भरते 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 भरते, ये 1st फ्लोर है, सब पानी यहाँ पे ये लोग लेते रहेंगे और यहीं पे भरते रहेंगे, तो इन लोग को तो पानी मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये अगर नहीं ले रहे हैं तब पानी इसमें भर के ऊपर जाएगा, इस फ्लोर पे पानी मिलना चालू होगा, यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए और प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पाइप भेजते हैं, मतलब इस पाइप में जो जा रहा है ये 3 फ्लोर ले रहे हैं, इस पानी में जा रहा है तो अगले 3 फ्लोर ले रहे हैं, इस फ्लोर से उसके नीचे वाले 3 फ्लोर ले रहे हैं, इस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है राइजर SLD, सिंगल लाइन डायग्राम, ये एक एक लाइन में दिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है सिंगल लाइन डायग्राम। क्लियर हुआ, तो ये हो गई प्लम्बिंग एंड सैनिटरी का पार्ट। अब है HVAC सिस्टम, यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें आपका AC वगैरह आ जाता है, जो भी आपका आप देखोगे बेसमेंट अगर आपका है तो वहाँ पे बड़ा बड़ा पंखा लगता है, वो क्या करता है गर्म हवा को बाहर फेंकता है और ठंडा हवा को अंदर घुसाता है, समझ में आ गया ना। एक वहाँ पे डक्टिंग का काम होता है, फायर शैफ्ट हो गया, उसके बाद LV शैफ्ट हो गया, लो वोल्टेज शैफ्ट हो गया, इन सब का डिटेल जितना है ना ये सब इसके अंदर में आपका रहेगा, ठीक है। मतलब कहीं भी आपको फ्रेश हवा भेजना है और गर्म हवा को निकालना है तो वहीं पे आपका हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का काम आता है। इसमें AC वो जो रहेगा आपका आउटडोर कहाँ बैठने वाला है वो सब डिटेल्स भी आपका इसमें रहने वाला है, समझ में आ गया। अगर आपका वहाँ पे VRV है, VRV पैनल लगने वाला है तो वो सब भी आपका इसमें डिटेल्स में कवर हो जाता है। तो इसका लेआउट हो गया, इसका सिस्टम हो गया, इंस्टॉलेशन कैसे होना है, सेक्शन कैसा रहेगा उसका, डक्टवर्क जो डक्टवर्क को कवर करना है वो सब, अगर आपका चिमनी विमनी का सब डक्ट का बाहर निकल रहा है वो सब भी डिटेल्स में आपका रहेगा। और लास्ट में आता है आपका फिनिशिंग एंड लैंडस्केपिंग का डिटेल्स। लैंडस्केपिंग तो आप समझ ही रहे हो, आपके प्रोजेक्ट में बाहर में पेड़ पौधा लगा हुआ है जो ग्रीन एरिया है, उन सबको किसमें दिखाया जाता है, उन सबको लैंडस्केपिंग डिटेल्स में दिखाया जाता है कि कौन सा पेड़ कहाँ लगना है और उसका भी एरिया कवर होता है। मतलब मान लीजिए ये आपका एक साइट है, यहाँ पे आपका बिल्डिंग है, यहाँ आपका बिल्डिंग है, ये पार्ट एरिया आपका ग्रीन एरिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ग्रीन एरिया है, तो इसमें इतना हो सकता है दूसरा कोई पौधा लगे, कोई पेड़ लगे, ठीक है, प्लांट लगे, इतना में कुछ और लगेगा, इतना में कुछ और लगेगा, ऐसे करके पूरा बाउंडेशन करके हम लोग को लेआउट करके बैठाना पड़ता है, अलग अलग पेड़ को अलग अलग पौधे को वहाँ पे बैठाना पड़ता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, समझ में आ गया। उस हिसाब से इसका भी ड्राइंग आता है, इरिगेशन का लेआउट होता है, कहाँ कहाँ हम लोग को पानी देना है, कहाँ कहाँ पेड़, मतलब गाड़ी वाड़ी धोने के लिए भी तो हम लोग को पानी वानी लगेगा, तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा रिंग लाइन दौड़ता है, वो सब भी आपको इसमें इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग वाले सिस्टम में मिल जाता है, इरिगेशन में भी आपको दिखाया जाता है ताकि दिक्कत ना हो काम करवाते वक्त, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग का डिटेल्स है, जैसे टाइल्स का लेआउट होता है, डैडो का लेआउट होता है, ताकि हम लोग जैसे इस घर में टाइल्स अगर बैठा रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, कहाँ पे छोटा सा पट्टी अगर आ रहा है, जॉइंट आ रहा है तो उसको कहाँ पे खिलाना है, ये सब डिटेल्स आपका टाइल्स लेआउट हो गया, डैडो का लेआउट हो गया, फिनिशिंग ड्राइंग जो होती है उन सब में ये सब चीज रहता है। तो ये सब थी डिटेल जो हमको एक ड्राइंग लगता ही लगता है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अगर छोटा मोटा घर बना रहे हो ना तो ये फिनिशिंग डिटेल्स, लैंडस्केपिंग, ये सब कुछ नहीं लगने वाला है आपको, HVAC सिस्टम नहीं लगेगा,
आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिकल लगता है, प्लम्बिंग लगता है, स्ट्रक्चर लगेगा और आर्किटेक्चर लगेगा, समझ में आ गया। और कुछ नहीं लगेगा, स्ट्रक्चर में भी सब नहीं लगेगा आपको, फ्लोर प्लान लगने से ही आपका काम हो जाता है, ठीक है, छोटा मोटा अगर है तो। और सेक्शन कुछ कुछ बना के आपको दे दिया है, एलिवेशन दे दिया है तो काम खत्म। स्ट्रक्चर में आपका स्लैब बीम कॉलम का जो लेआउट है वो दे देने से ही आपका हो गया ग्रिड लेआउट के साथ, और कुछ नहीं चाहिए, फाउंडेशन लेआउट खत्म। बीम लेआउट, प्लिंथ बीम भी लगता है, मतलब डिटेल में आपका नहीं लगेगा, इसी का छोटा छोटा पार्ट लगता है, ये फायर का इतना जो बताया है, डीजी वीजी ये सब कुछ नहीं, ये सब लगता है छोटा मोटा घर में अगर एक दो तल्ला बिल्डिंग है, ठीक है। ये पूरे बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं बताया हूँ और बहुत डिटेल में बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिला होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। तो आज के वीडियो में यही था। तो आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, चलिए सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि विच ड्राइंग इज यूज टू रीड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग को साइट पर जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, इसका ऑप्शन है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जिन्हें भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरे इंस्टा और टेलीग्राम पर आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट जॉब से हो गए, नोट्स हो गया, इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्विजेज होती है वो सब मैं लेता रहता हूँ इंस्टा और टेलीग्राम पे, सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।